गणेश, क्या हाल आप सब लोग के? मेरा नाम है कार्तिक और ये है मोटोरोला एज 50। दोस्तों 56-28 हज़ार रुपए के आसपास में है। ये प्राइस सेगमेंट बहुत ही कंपेटिटिव है, मतलब कि बहुत सारे फोन है इस प्राइस सेगमेंट में, पर आप ढूंढ रहे हो कि क्या एक बेस्ट फोन जो आपके लिए हो सकता है। आप 28 हज़ार रुपए अपनी मेहनत के खर्च कर रहे हो तो क्या ये मोटोरोला पे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं, कंफ्यूजन में यहाँ पे दूर करूंगा। यहाँ पे आपको पूरी स्पेसिफिकेशन दिख रही है, प्राइस सेगमेंट आपको मैंने बता दिया है, तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। तो जितना भी इस एक हफ्ते में हमने सीखा इस फोन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज, ओके, सो ये बॉक्स है वही प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग वाला। यहाँ पे मोटोरोला का फोन जिन लोगों ने खरीदा है उनको पता है कि लाइक इसमें एक अलग ही स्मेल है बॉक्स के अंदर, अलग एक्सपीरियंस तो है प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग, बिकॉज पूरा पेपर में आ रहा है। इवन जो यहाँ पे ये चार्जर दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी पेपर पैकेजिंग के अंदर है। 68 वॉट का चार्जर है, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है, यस, और इसमें एक अलग ही स्मेल है जो बाकी किसी भी बॉक्सेस के अंदर आज तक कभी भी किसी भी कंपनी में मैंने नहीं देखा है। सो मैं इसको मोटा मोटा अभी साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे चार्ज करने में, इवन तो 68 वॉट का चार्जर है, चार्ज करने में मोटा मोटा आपको एक घंटा जितना टाइम लग जाएगा, जो कि टिपिकल एक 45 वॉट जितनी चार्जिंग स्पीड है। अब मुझे नहीं पता ये स्लो क्यों है, बट हाँ स्लो है। सो पहली चीज तो मैंने आपको यही बता दी। सो जैसे इस फोन का हाथ में लेता हूँ, सबसे पहली चीज जो मेरे सामने आती है वो है कलर, और ये बेसिकली एक नॉर्मल कलर नहीं है, वीगन लेदर है पीछे की साइड पे। और बता देता हूँ वापस एक प्रॉब्लम, क्योंकि ये गंदा बहुत जल्दी हो सकता है। एक तो थोड़ा सा ये ब्राइट कलर है, सो अगर कोई ब्लैक हाथ आपके किसी चीज में हो रखे है तो डेफिनेटली आराम से गंदा हो जाएगा और चिपकेगा इसके ऊपर। आई थिंक इट लुक्स गुड, एल्युमिनियम की यहाँ पे बॉडी दे रखी है, और कुछ लोगों को यहाँ पे कंसर्न हो सकता है नेटवर्क के इशू के लिए। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो निशान दिख रहे हैं ये नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए ही यहाँ पे लगाए हुए है। सो इन टर्म्स ऑफ लाइक नेटवर्क इशूज देर आर नन, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं आपको पहली चीज बता दूं, एक एल्युमिनियम या मेटलिक बॉडी होना एक प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, बिकॉज ये बहुत ही कम होता है जो इस प्राइस सेगमेंट में फोन आते हैं, मोस्टली प्लास्टिक बॉडी के अंदर ही आते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है कि फोन जो है यहाँ पे मेटल बॉडी के साथ में है। प्लस आगे साइड पे जो डिजाइन देखो मैं यहाँ पे, सो कर्वी डिजाइन दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी आ सकता, बिकॉज गेमिंग वाले जो लोग हैं स्पेशली वो थोड़ा सा इसको हेट करते हुए नजर आते हैं, बिकॉज अनवांटेड टच हो जाते हैं, दे माइंड इट, बिकॉज एक किल लेना या फिर खुद मर जाना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है उनके लिए। बट लुक्स वेरी गुड, 7.51 mm की थिकनेस है, इट इज थिन एक्चुअली, पतला फोन है और लाइट वेट भी एट सेम टाइम। सो एज टू एज बेजल्स है नीचे ऊपर हर जगह पे, एवरीथिंग इज एक्चुअली प्रिटी गुड अबाउट दिस फोन। गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है और ये एक एडवांटेज है। सो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन काफी अच्छे से सोचा गया है, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे ये सारी चीजें ला के देना एक ही फोन के अंदर बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है। डिस्प्ले है 6.7 इंच जो कि आइडियल हो गया आज के कंडीशन में, बहुत सारे फोन है 6.67, 6.7 यही आइडियल कंडीशन है, और मेरे को लगता है कि एक बाइक काफी सूटेबल है क्योंकि ग्रिप काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ दिस, बता दिया स्मजेस पड़ेंगे यहाँ पे। पी एमुलेट यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है, बिकॉज कर्वी है ऑब्वियसली पी एमुलेट चाहिए होगा यहाँ पे। द बेस्ट पार्ट इज 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और अगर मैं यहाँ पे HDR वीडियोस को ऑन करूँ सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे 4K 60fps HDR तक उसको पुश कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली 4K तक पुश कर सकता हूँ, और प्लस HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं एक बार ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ, सो इट इज फुल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये एक HDR कॉन्टेंट चल रहा है, लुक एट डिफरेंस, यहाँ पे व्हाइट पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे पीछे ब्लैक पार्ट दिख रहा है, एक्जैक्टली काफी डीप कलर रिप्रोडक्शन सही है। इवन थोड़ा सा मैं स्लाइड करके देखूँ यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं, अगर आप थोड़ा सा लाइक इधर उधर सिफोनी हो रहा है तो ज्यादा फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, व्यूइंग एंगल्स ऑल्सो गुड। अब ब्राइटनेस की मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात कर लूँ, सो ये फोन जो है धूप में भी आराम से लगभग 1100 nits तक फुल ऑन लाइक पूरी डिस्प्ले 1100 nits तक ब्राइट अप हो जाती है। मैं बता दूँ कि 1100 nits बहुत सही हो जाता है, धूप में आराम से फोन दिख जाता है, इवन कड़ी धूप में आराम से दिख जाता है, सो इट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम टू यूज दिस फोन आउटसाइड, सो डेफिनेटली वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज की वजह से यहाँ पे एक चीज मिल जाती है, वो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब मैंने एक ही फिंगरप्रिंट में दोनों अपने अंगूठे लगा रखे हैं और इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम। यस, हल्का सा यहाँ पे ड्रॉप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है, मैं आपको बता दूं, as you can see here, look at it. Yes, it is there. But जो पोजीशन है इसकी वो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि यहाँ पे दे रखी है फोन की नीचे की साइड पे, गिरने का थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि जब आप इसको ओपन करने जा रहे हो, सो एक ऐसी कंडीशन में आते हो कि आप फोन आराम से हाथ से गिर सकता है, बट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और इसमें कंपनी क्लेम करती है कि हमने स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं, और ये एक और प्लस पॉइंट है इस फोन के लिए इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया यूजेस। सो जस्ट एक जंप अप करता हूं, जस्ट इसको आवाज आपको मैं सुनाता हूं कि कैसे क्या सीन है। ये नीचे वाला स्पीकर है,
यस डेफिनेटली है, वही रेशियो निकल के आ रहा है कि ऊपर वाला स्पीकर 40% आउटपुट दे रहा है और नीचे वाला जो है ओवरऑल का 60% यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब रही बात की आवाज कैसी है, पहली चीज लाउड है, क्लियर है, ज्यादा बेसी नहीं है फॉर द मोस्ट पार्ट, बट यस बेसी है। सो डेफिनेटली इफ यू आर अ मल्टीमीडिया यूजर फोन आपको पसंद आएगा। और देन मैं बात करूँ यहाँ पे हैप्टिक मोटर की, जब आप इसको टाइप करते हो जो एक फील आपको बैकअप से आता है, हेलो दिस फील्स गुड, ओके। सो डेफिनेटली ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। यस ये एक चीज और एड ऑन हो जाती है, जैसा फोन दिखता है वैसा ही फील करवा रहा है। मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, बहुत से लोगों को स्कोर्स देखना काफी पसंद होता है यहाँ पे, लेकिन स्कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि फोन जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। उससे पहले Geekbench 6 की अगर मैं बात करूँ तो 1000 मतलब 1000 प्लस हो गया, डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। इवन मल्टी कोर में 3000 का स्कोर निकल गया है और ये पैरामीटर मैंने खुद के लिए सेट किया हुआ जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने फोन देखे, इवन वीवो V30 प्रो की मैं अगर बात करूँ क्योंकि 40000 के आसपास के आसपास जो फोन है वो भी यही सेम स्कोर निकाल के दे रहा है और ये 28000 के प्राइस पॉइंट निकाल दे रहा है यहाँ पे। इवन जितने भी आप 30 से लेकर के 40 के बीच में ले लो, सब इसी के आसपास में स्कोर निकाल के देते हैं। तो डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पर अगर ये स्कोर निकाल के दे रहा है तो कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। देन बात करूँ यहाँ पे GPU की, अगर आप गेमिंग करते हो तो कितना ये स्ट्रेस जो है वो झेल सकता है, तो यहाँ पे 3199 निकल के आया। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा बेटर हो सकता था, कोई प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1। देन मैं यहाँ पे GIPS की बात करूँ 3,18,000, वो भी इस प्राइस पॉइंट में 30,000 के नीचे मैंने 3,18,000 का GIPS नहीं देखा है। 78 का थ्रॉटल स्कोर निकल के आया विच इज नॉट गुड, बट हम जो टेस्ट करते हैं वो बैक टू बैक रन करते हैं तो बहुत बार हमारे जो थ्रॉटल स्कोर के स्कोर्स है वो आपको कम ही दिखेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी उसको दो टेस्ट से गुजार दिया होता है, जहाँ पे एक बेंचमार्क 6 है और दूसरा या जो स्ट्रेस टेस्ट है जीपीयू का, और फिर उसके बाद में हम थ्रॉटल स्कोर निकालते ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आए। बिकॉज ऑब्वियसली आप गेम खेलोगे तो आधा घंटा एक घंटा खेलोगे, उसके बाद में परफॉर्मेंस पता चलती है, या फिर आप स्टार्टिंग की 10 मिनट में उसको जज नहीं करोगे। सो वही चीज यहाँ पे मैं स्कोर्स निकालते टाइम भी करता हूँ, और उसी के बाद में लास्ट में मैंने निकाला यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क, और ये स्कोर बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जज करेंगे 7,00,000 का निकल के आया है, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलूंगा कि लाइक बहुत बढ़िया नहीं है। सो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है लगभग 80% ऑफ द फोन इस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये तो अभी नंबर्स की बात, अगर रियल लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर सीओडी खेलते टाइम एक चीज मैंने नोटिस करी वो ये, अगर मैं लोअर सेटिंग्स पर खेलता हूँ तो मुझे कोई लैग्स कोई भी फ्रेम ड्रॉप जो है देखने को नहीं मिलता है, और जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ हायर सेटिंग्स की तरफ ऑप्शन मिल जाता है तो थोड़े से लैग्स मुझको देखने के लिए मिले हैं। सो ये फोन जो है वो एक गेमिंग फोन तो नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, पर क्या ये रियल लाइफ में डे टू डे लाइफ में ये हैंग होता है? सो आई वुड से नहीं, पर एक चीज मैंने नोटिस करी वो यहाँ पे कैमरा जो एप्लीकेशन है वहां पर इसको जब यूज करते हैं तो हल्का फुल्का कभी ना कभी मैंने उसमें लैग देखा है। अभी नहीं मैं एग्जैक्टली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो पार्ट, लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं हल्का फुल्का कैमरा एप्लीकेशन के अंदर है, और ये चीज सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में ठीक की जा सकती है, आई डोंट नो बट ये है इसके अंदर, लेकिन आपको परेशान नहीं करेगी वो भी डेफिनेटली मैं आपको बोल देता हूँ। बाकी अगर आप चीजों में इधर उधर आप एक्सेस कर रहे हो लाइक मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ में यूज कर रहे हो, रैम की बात कर रहे हो, सो डेफिनेटली वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन जहां पे आपने छोड़ी थी वहां से ही आप एप्लीकेशन को स्टार्ट आउट कर सकते हो, सो रैम मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड इन दिस फोन। देन मैं आ जाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, कैमरास, और कैमरास के बारे में चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है इस फोन के बारे में। रिमेंबर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस प्राइस पॉइंट पे मेटेलिक बॉडी देना बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम फोन्स में देखने के लिए मिलता है ये, और ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती हुई दिखती है। 30,000 की प्राइस सेगमेंट के नीचे यहाँ पे हमें टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसा नहीं था कि हमने पहले टेलीफोटो लेंस नहीं देखे 20,000-30,000 की प्राइस पॉइंट की, यस पहले की बात थी 2021 प्राइस में देखने के मिल जाता, लेकिन 2024 की बात करूँ हाल फिलहाल में जितने भी फोन टेस्ट किए मैंने किसी भी फोन में टेलीफोटो लेंस 30,000 के प्राइस पॉइंट के नीचे नहीं देखा है मैंने। और यहाँ पे 10 megapixel का टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है, 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाता है, और 50 megapixel का यहाँ पे मेन लेंस दिया हुआ है, आगे की साइड पे 32 megapixel का कैमरा दे रखा है विच इज ऑल्सो वेरी गुड। सो ये चीज डेफिनेटली हार्डवेयर के मामले में मैं बोलूंगा मोटोरोला ने बहुत सही किया, आई लव इट, टेलीफोटो लेंस तो दिया है पर क्या वो परफॉर्म उतना ही बेटर कर रहा है? तो ये एक फोटो हमने निकाला है यहाँ पे, और सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की है वो यहाँ पे है डायनेमिक रेंज, लुक एट इट, ऊपर की तरफ जो स्काई है वो आराम से लाइक ब्राइटन अप हो रहा है, नीचे की साइड पे अगर मैं देखूं डार्कर पोर्शन वो भी अच्छे से लाइटन अप हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। एंड देन मैं अगर जूम करूँ और क्वालिटी की बात करूँ, सो यस HDR का पोर्शन यहाँ पे भी है, फॉर एग्जाम्पल ये इस घर के अंदर यहाँ पे जो दरवाजा दिख रहा है अच्छे से इसमें उसको डिटेक्ट कर लिया है, बट क्वालिटी नॉट दैट गुड, पर बता दो ये अल्ट्रा वाइड से लिया हुआ है, और ये चीज अच्छी है यहाँ पे इन्होंने 8 megapixel ना देके 13 megapixel दिया है। देन ये है इसका टेलीफोटो लेंस 10 megapixel का, एंड एक्चुअली वर्क्स
लाइक क्वालिटी बहुत सही है, मुझे दिक्कत नहीं है वहाँ पे। देन मैं जूमिंग क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये पेलिको लेंस ज़्यादा जूम के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी 30x का ऑप्शन दिया हुआ था, सो हमने इसमें फोटो क्लिक किया। सो यस, एंड देन बात करूँ यहाँ पे इसके मेन अल्ट्रा वाइड लेंसेज मूल सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो यस यहाँ पे HDR मेंटेन करते हुए नजर आ रहा है। सेम चीज़ जो मैंने बोली आपको कि थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाएगी अगर ज्यादा जूम करोगे, लेकिन दूसरे फोन से काफी बेहतर है यहाँ पे। देन इसकी मेन लेंस से बात करूँ तो डेफिनेटली बड़ा डिफरेंस नजर आता है यहाँ पे 50 MP का। फर्स्ट क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, देन एक टेलीफोटो लेंस से खींचा हुआ फोटो है यहाँ पे, हल्का सा लाइक ओवर एक्सपोज कर रहा है। और पोर्ट्रेट्स की अगर मैं बात करूँ सो एक चीज, दे लुक गुड बट जैसे ही आप उसको जूम करोगे ऐसा लगता है कि लाइक पेंट किया हुआ है। सो इतना भी रियल नहीं लगता है लेकिन बहुत ही सही है, अगर आप दूर से एक बार के लिए देखोगे किसी को पता ही नहीं चला। इवन सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो 32 MP का जो कैमरा दिया हुआ है वो काम करते हुए नजर आता है, क्वालिटी मेंटेन कर रही है इसने यहाँ पे। सो डेफिनेटली इवन पोर्ट्रेट्स के अंदर काफी सही काम किया हुआ है, कि पीछे वाले पोर्ट्रेट्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बोला कि पेंट किया हुआ लग रहा है अगर ज्यादा उसको पुश अप कर रहे हो आप, लेकिन फ्रंट कैमरा में वो चीज मेरे को नोटिस होते हुए नजर नहीं आती है। तो क्या ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं, डेफिनेटली ये फोन आप ले सकते हो, बट मैं उसमें भी क्लेरिफिकेशन कर दूं कि कौन से लोग इस फोन को ले सकते हो। सो सबसे पहले चीज डिजाइन के बारे में बात कर लेता हूँ, सो डेफिनेटली ये चीज आपको पसंद आएगी। जैसे मैंने बात करी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे दिया हुआ है, कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे मेटलिक बॉडी मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, पीछे की साइड पे लाइक 3 यूनिक कलर्स यहाँ पे। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ लुक्स दिस फोन एक्चुअली लुक्स वेरी गुड, फील्स वेरी गुड एट द सेम टाइम। तो अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है और अच्छा फील भी करवाता है, तो वहां पे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। मल्टीमीडिया यूजर्स हो आप अगर, तो भी डेफिनेटली फोन आपको पसंद आएगा, बिकॉज फर्स्ट थिंग डिस्प्ले इज एक्चुअली प्रीटी गुड, 1.5K हाई रेजोल्यूशन और अच्छे से हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप उसको चला भी सकते हो, बिकॉज HDR 10 प्लस में सपोर्ट मिल जाता है। और रूम में फोन आराम से दिख जाएगा, स्टीरियो स्पीकर्स भी दिया हुआ है, सो अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला। सो यस, मल्टीमीडिया यूजर डेफिनेटली फोन की तरफ जा सकते हैं। बात करता हूँ कैमरा का, इफ यू आर कैमरा गाय, सो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए है, लाइक इट इज अ परफेक्ट पैकेज। तो इस प्राइस पॉइंट पे और कोई डिलीवर नहीं कर रहा है अभी के टाइम, बट इफ यू आर परफॉर्मेंस का, आपको ये फोन चाहिए परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, आपको गेमिंग ज्यादा करना है, आपको कैमरे से ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको डिस्प्ले से ज्यादा लेना देना नहीं है, कंप्लीटली प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप iQOO के फोन की तरफ जा सकते हो, आप पोको F6 की तरफ जा सकते हो, वो फोन ज्यादा बेटर है, ये एक परफॉर्मेंस फोन डेफिनेटली नहीं है। तो यहाँ पे मोटा मोटा समझ में आता है कि Motorola ने एक परफेक्ट पैकेज बनाने की कोशिश की है, परफॉर्मेंस के मामले में, कैमरास के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, स्पीकर्स के मामले में, चार्जिंग स्पीड्स के मामले में, इवन बैटरी लाइफ इज ऑल्सो प्रीटी गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वहां पर भी। सो इट इज लाइक परफेक्ट पैकेज, अगर आप एक परफेक्ट पैकेज ढूंढ रहे हो कि लाइक सब चीज थोड़ी थोड़ी सब बढ़िया होनी चाहिए, इसमें एक्चुअली सब चीज काफी सही है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से फोन बिल्कुल निराश नहीं करेगा, आई लव दिस फोन एक्चुअली, काफी सही चीजें इन्होंने के लिए यहाँ पे। सो आई होप गाइस ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखोगे और अपने लिए अच्छा बाइक डिसीजन ले पाओगे, और इस मामले में मैंने कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने की कोशिश की होगी। अभी इतना ही, गुड बाय।